हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रो क्लब। और आज अपने पढ़ेंगे ग्रीन ग्राम। हिंदी में बोलते हैं मूंग। इसका बोटेनिकल नेम है विग्ना रेडियाटा और फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी और इसका एक दूसरा नाम भी है फेबेसी। फेबेसी भी कहते हैं इसको। ओरिजिन है इसका इंडिया और इसके ये एक लॉन्ग डे प्लांट है। खरीफ क्रॉप, जितने भी खरीफ क्रॉप के प्लांट जो क्रॉप होती है वो सभी लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। सॉरी, ये लॉन्ग डे प्लांट नहीं, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट, जितने भी खरीफ क्रॉप होती है वो शॉर्ट डे प्लांट होती है क्योंकि इनको 12 घंटे से कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, से कम लाइट की रिक्वायरमेंट। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 22 होते हैं और 24 भी होते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे किसी में 22 है तो किसी में 24 है, तो इनके आप दोनों याद रख सकते हैं, 22 या फिर 24। इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है 24%, कार्बोहाइड्रेट्स होता है 59% और फैट होती है 1.3%। जर्मिनेशन टाइप होता है इसका एपिजियल। इसके एपिजियल क्या होता है कि जो कोटिलीडॉन है वो सोइल सरफेस से ऊपर आता है, सोइल सरफेस से ऊपर आ जाता है, सरफेस से ऊपर। और इसके अंदर जो जर्मिनेट सीड होते हैं, जब मूंग को भिगो दिया जाता है 24 घंटे या फिर कि भिगो के रखा जाता है, 12 घंटे नहीं, ऐसे नहीं भी रात को भिगो दिया और सुबह वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उसको भिगो के रखा जाता है काफ़ी, जैसे 1-2 रात को या फिर 30 घंटे 36 घंटे, तो सीड क्या होता है जर्मिनेट होने लग जाता है, तो उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। और इसके लिए क्लाइमेट चाहिए होती है, वार्म क्लाइमेट जिसका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है 23 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो ये फ्रूट टाइप होता है, इसका फ्रूट टाइप होता है पोड, इनफ्लोरेसेंस होता है रेसीम। सोइल होती है इसके लिए सैंडी लोम सोइल, अच्छे जल निकास वाले, जिसका जल का निकास जिस भूमि में अच्छे से हो, मतलब जिस भूमि में पानी ठहरता ना हो। और इसके लिए वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये रेनफील्ड एरिया में भी ग्रो की जाती है ना, 75 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, अगर इसको रेनफील्ड एरिया के अंदर ग्रो किया जाता हो तो। और पीएच होती है इसके लिए 6.6 से 7.5। सीड रेट चाहिए होती है इसके लिए खरीफ के लिए और समर के लिए, इसको जायद भी कहते हैं, समर को चाहे जो खरीफ के लिए चाहिए होती है वो होती है 15 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर, जो समर सीजन के लिए चाहिए वो होती है 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। और इसमें आगे जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है इसकी, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वाटर रिक्वायरमेंट वो होती है 350 mm। आगे है सोइंग टाइम,
सोइंग टाइम क्रीफ सीजन के लिए, क्रीफ सीजन के लिए सोइंग टाइम है इसका जून से जुलाई, जून से जुलाई। और जो समर सीजन के लिए है वो है 10 मार्च से, 10 मार्च से 20 मार्च। आगे है इसकी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो दी जाती है, नाइट्रोजन इसके लिए 25 किलो प्रति हेक्टेयर, और फॉस्फोरस है 50 किलो प्रति हेक्टेयर, और पोटास है 25 किलो प्रति हेक्टेयर। आगे इरिगेशन। इरिगेशन इसको दी जाती है 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, दिनों के अंतराल पर। अगर रेनफीड एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है तब उसको, जब बरसात होती है तब अपने आप पानी मिल जाता है। और एक इसमें है कि रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 30 से 30 और 10 सेंटीमीटर। मतलब ये एक रो है, जो इसके बीच की दूरी है वो रखी जाती है 30, और ये प्लांट है ऐसे यहाँ पे प्लांट, तो ये रखी जाती है 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ रखी जाती है इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर। आगे है वैरायटी। वैरायटी वैसे तो इसकी बहुत वैरायटी है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिखी है वो मेन मेन वैरायटी है इसकी। RMG 62, SML 668, गंगा 8, GM 8 और RMG 268। जो RMG 62 वैरायटी है, इसकी ये विशेषता है कि ये सिंचित और असिंचित दोनों एरिया के अंदर ग्रो की जा सकती है। सिंचित और असिंचित दोनों एरिया के अंदर उगाई जा सकती है। और आगे इसके जो ये राइजोक्टोनियम ब्लाइट, एक जो इसके अंदर डिजीज होती है इसके प्रति रेजिस्टेंट है। क्या है? रेजिस्टेंट है ये राइजोक्टोनियम, राइजोक्टोनियम ब्लाइट के प्रति। और जो इसकी फलियां हैं वो सारी एक साथ पकती है। जैसे मूंग के अंदर क्या होता है कि मूंग में हार्वेस्टिंग अलग अलग होती है। जैसे पहले जो फलियां पक गई 85% तक जिनका का हो गया, वो उनको पहले तोड़ लिया जाता है। इसके अंदर 2-3 बार तोड़ाई की जाती है, फिर जो सेकंड बार पकती है उसकी, फिर तो जो ये वैरायटी इसकी विशेषता है कि इसकी सारी फलियाँ एक साथ पकती है। आगे है SML 668। इसके अंदर ये खरीफ व जायद तो दोनों सीजन के अंदर, खरीफ व जायद दोनों सीजन के अंदर ग्रो की जा सकती है, दोनों सीजन के अंदर ग्रो की जा सकती है। आगे गंगा 8, ये भी खरीफ व जायद दोनों सीजन में ग्रो की जा सकती है, जायद दोनों सीजन में ग्रो की जा सकती है। और जो GM 8 है इसकी भी फलियां एक साथ पकती हैं, सारी जितनी फलियां हैं फलियां एक साथ पकती हैं। आगे है RMG 268, ये सूखे के प्रति सहनशील वैरायटी है, सूखे के प्रति सहनशील वैरायटी, सहनशील। आगे भी एक दो वैरायटी और है, वो है जैसे K51, ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है जैसे K51। और आगे है पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी, ये कैच क्रॉप के लिए, कैच क्रॉप के लिए उगाई जाती है। जब कैच क्रॉप लेनी हो तब इस वैरायटी को ग्रो किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और कैच क्रॉप क्या होती है? कैच क्रॉप फ्रेंड्स वो होती है जैसे जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है, मेन फसल किसी भी कारणवश से, कोई भी आपदा के कारण नष्ट हो जाती है, तो उस टाइम कैच क्रॉप ली जाती है। और जो आगामी ऋतु है को पकड़ने के लिए उगाई जाती है। ऐसी फसलें प्राय अल्पावधि एवं तेजी से वृद्धि करने वाली होती है, शॉर्ट पीरियड की होती है ये, जैसे 65 से 70 दिन में पक जाती है ये, और तेजी से वृद्धि करने वाली होती है, जिसे आसानी से काटकर किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपके मूंग हो गया एक, तो
मूंग हो गया, लोबिया, लोबिया, प्याज, मूली, ये सब क्या है? कैच क्रॉप है। और ये जो कैच क्रॉप, एली क्रॉप जितने भी टर्म है, ये आपको हम अलग से वीडियो बना के डिफाइन करेंगे, लेकिन मैंने आपको ये मोटा मोटा इसको यहाँ पे बता दिया। आगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इसकी तब की जाती है, 60 मेनली, तो ये 65 से 70 डेज में पक जाती है। और इसकी जो फलियां हैं वो एक साथ नहीं पकती, जो मैंने वैरायटी बताई इनकी एक साथ पक जाती है, तब तो जब 85% पॉड मेच्योर हो जाए, पॉड मेच्योर हो जाए तब इसकी कटाई की जा सकती है। लेकिन अगर ये अलग अलग पकती है उसकी फलियां, तो इसकी अलग अलग हार्वेस्टिंग की जाती है। और इसकी जो यील्ड है वो है 10 से 15 किलो क्विंटल प्रति हेक्टर। यील्ड है वो क्या है? 10 से 15 किलो प्रति हेक्टर क्विंटल। थैंक यू सो मच।